अस्सलाम वालेकुम, होप सो आप लोग सब ठीक होंगे। तो भाई सीन ये है कि हमारी साइकोलॉजी की टीचर ने हमें दिया एक असाइनमेंट, वो था व्लॉग का। अब या तो ये असाइनमेंट हम ग्रुप में बना सकते थे या इंडिविजुअली बना सकते थे। तो मैं और मेरी यूनिवर्सिटी के दोस्तों ने ये डिसाइड किया कि क्यों ना हम ये लोग ग्रुप की सूरत में बनाएं। तो मैं और मेरे दोस्त इंक्लूडिंग अली, आलियान, सिराज, उसामा, बुरहान एंड रमीज एंड इंक्लूडिंग मी, तो हम सब ने डिसाइड किया कि भाई हम लोग फार्म हाउस चलते हैं ताकि इन्जॉयमेंट की इन्जॉयमेंट भी हो जाए, असाइनमेंट का असाइनमेंट भी हो जाए। तो भाई हम सब ने यही डिसाइड किया था कि हम ये लोग सारी चीज़ें मैनेज करके चलेंगे। तो आइए वीडियो में जानते हैं मैं और मेरे दोस्तों ने ट्रांसपोर्ट से लेके खाने तक और खाने से लेके वापस आने तक कैसे मैनेज किया। आइए मेरे दोस्तों की ज़बानी जानते हैं। पिकनिक की प्लानिंग पूरी होने के बाद जो पिकअप पॉइंट है मेरे घर के करीब था, यानी दारू से। दारुल सेहत पे पहुंचने के बाद बॉयज कर रहे थे इंतजार और आखिरी में गाड़ी, और गाड़ी में हो बॉयज और तफरी ना हो ऐसा हो नहीं सकता। तो आगे के शॉट्स आप वीडियो में देखें। बात रही स्विमिंग पूल की और हम अपने कर्तव्य में दिखाए, ऐसा तो फिर हो नहीं सकता। तो भाई असल पानी के अंदर मजा ही आता है भाई, क्या बोलते हो भाई? हम कराची वाले हर चीज को एंजॉय करना चाहते हैं, गाने की बीट हो और हमारे ठुमके ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता। पाकिस्तानी और क्रिकेट हमारे खून में, फार्म हाउस है क्रिकेट ना हो ऐसा हो नहीं सकता, इसलिए आप देखिए हमने क्रिकेट कैसी खेली। तो भाई बॉयज तुम लोगों ने फर्स्ट टाइम ये प्लान करी इतनी पिकनिक, तो तुम लोगों का क्या एक्सपीरियंस रहा? मैंने तो भाई ऑर्गेनाइज करने में बहुत एफर्ट लगती है, आसान काम नहीं है क्योंकि हर तरह की चीज़ को मैनेज करना पड़ता है, खाना, फार्म हाउस बुक करना, हर चीज़ की एक्टिविटी रखनी पड़ती है। इसके अलावा मेरे टीम मेम्बर्स भी हैं जिन्होंने बहुत सपोर्ट किया, ऐसी बात नहीं है, हर बंदे का अपना एक किरदार था उसने अदा किया। और उसामा तुम्हारा? बिल्कुल, इससे पिकनिक अच्छी हमारी पिकनिक नहीं हुई लेकिन हमारी जो मैनेजमेंट स्किल्स हैं वो भी डेवलप हुई हैं कि किस तरह हैंडल करता है मुश्किल, अगर कोई मुश्किल आ रही है, कोई कहीं पे इलेक्ट्रिक सिटी नहीं आ रही, किस तरह मैनेज करना है, कोई जनरेटर काम नहीं कर रहा, हर चीज़ हमें मैनेज करना है या सीख रहे हैं हम लोग, किसी पिकनिक नहीं कर रहे, इससे हमें काफ़ी काम मिलेगा। खाने को भी मतलब इस तरह से मैनेज करना पड़ा कि सबको इक्वली हो जाए, किसी को कोई तकलीफ ना हो, क्योंकि इससे ही आपकी स्किल्स बढ़ती हैं कि आप सामने जाके मतलब किसी को भी इंप्रेशन दे रहे हो, कोई भी अगर आप प्रोजेक्ट उठाते हो तो उसको उसके ऊपर पूरा उतर सको। और सीआर तुम? अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि किसी भी इवेंट को सक्सेसफुल बनाने के लिए टीम मैनेजमेंट की बहुत ज़रूरत होती है, जो अल्लाह का शुक्र अल्लाह। बेसिकली हम लोगों ने टीम वर्क आपको लेके चलना सीखा होगा, आपकी नेचर को समझना सीखा कि किस तरह किसको लेके चलना है। हमने टाइम सेविंग भी सीखी है, मनी सेविंग भी सीखी है कि किसी भी इवेंट को सक्सेसफुल बजट भी बजट को भी संभाला में ले जाए, और सबसे बड़ी बात कोरोना चल रहा है तो हमने एसओपीज का भी ख्याल रखा। ऑफकोर्स हर तरह से ये ख्याल रखा कि कोई भी मतलब सोशल डिस्टेंसिंग में
इतने ज्यादा बॉयज भी नहीं गए इस पे, हम बिल्कुल भी इतने ज्यादा बॉयज नहीं गए। जो है वो हमारी मिस सायमा के लिए जो हमें ऐसी एक्टिविटीज देती है जिससे हमारा टीम वर्क, हमारा कॉन्फिडेंस अंदर का ये बिल्डअप होता रहता है। और मैंने एंजॉय भी बहुत करते हैं, और मैंने बेसिकली जो है सारी ये व्लॉग का सारा काम संभाला है, बॉयज ने सारी सजेशन, बॉयज ने सारी मतलब मेहनत करी, और आखिर में हमें अपने बचपन की यादें ताजा करी। तो भाई एट लास्ट हमारा जो है ब्लॉग असाइनमेंट कंप्लीट हो गया, और हमारे सारे असाइनमेंट्स भी कंप्लीट हो गए, और हमने इससे टीम मैनेजमेंट और टाइम मैनेजमेंट करना भी सीख लिया, और अपने बजट के ये बहुत लेकर चले हम, और हमने मैनेजमेंट के साथ साथ एंजॉयमेंट भी बहुत की, इसके साथ साथ हमारा कॉन्फिडेंस लेवल और ज्यादा बूस्ट कर गया। सब सीख लिया, हो गया, चलेगा। हेलो यार।